Hello friends, welcome to my YouTube channel Quality Education. Today our topic of discussion is design of shaft. तो आज अपन देखेंगे कि शाफ्ट क्या होती है और अपन शाफ्ट की डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. तो शाफ्ट क्या होती है कि ये रोटेटिंग एलिमेंट होता है जो यूज होता है पावर ट्रांसमिशन के अंदर. ठीक है, तो पावर ट्रांसमिशन कैसे करते हैं, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पावर ट्रांसमिशन करना है तो शाफ्ट का यूज आता है रोटेटिंग पावर. ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसके टाइप्स. तो शाफ्ट दो टाइप की होती है, पहली तो होती है ट्रांसमिशन शाफ्ट और दूसरी होती है मशीन शाफ्ट. ट्रांसमिशन शाफ्ट में जो है अपन कंसिडर करते हैं ले शाफ्ट, ओवर हेडेड शाफ्ट, और मतलब ये शाफ्ट ट्रांसमिशन शाफ्ट क्या करती है कि मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे पावर ट्रांसमिशन कर रही है. तो दोनों जो शाफ्ट चलाएगी वो चलाएगी अपने ट्रांसमिशन शाफ्ट. ठीक है, तो अब अगली जो है वो होती है मशीन शाफ्ट. मशीन शाफ्ट क्या होता है कि इंटीग्रल पार्ट होता है. ठीक है, तो मशीन शाफ्ट क्या इंटीग्रल पार्ट, जैसे कैम शाफ्ट हो गई, क्रेन शाफ्ट हो गई. कैम शाफ्ट इंजन के अंदर यूज आती है और क्रेन शाफ्ट भी इंजन के अंदर यूज आती है. तो ये दोनों क्या है कि इंटीग्रल पार्ट है मशीन के, तो ये मशीन शाफ्ट के अंदर आते हैं. और अब देख लेते हैं कि शाफ्ट की डिजाइन कैसे करते हैं. तो शाफ्ट की डिजाइन करने के लिए या अपन क्या है कि दो कंडीशंस पे शाफ्ट की डिज़ाइन होती है. पहली कंडीशंस क्या होती है कि जब अगर अपनी जो शाफ्ट है वो ट्विस्टिंग मूवमेंट के ऊपर ही हो, मतलब शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मूवमेंट, मतलब ट्विस्टिंग मूवमेंट पे ही फेल हो रही हो. और दूसरे में शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मूवमेंट, मतलब बेंडिंग मूवमेंट के कारण वो जो है शाफ्ट फेल हो रही है. तो अपन ये दोनों की डेरिवेशन करते हैं और देखेंगे कि इनका क्या फॉर्मूला आता है डिज़ाइन का. ठीक है, तो अपन पहली कंडीशन देख लेते हैं, शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट. ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि जो टॉर्जन इक्वेशन होती है, टॉर्जनल इक्वेशन क्या होती है कि टी अपॉन जे इक्वल्स टू टाउ अपॉन आर इक्वल्स टू सी थीटा अपॉन एल. ठीक है, तो यह जो टी होता है वो होता है टॉर्क और जे जो होता है वो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है. और जो टाउ होता है वो शेयर स्ट्रेस होता है. जो आर होता है वो रेडियस होती है शाफ्ट की. ठीक है, ठीक है, और जो थीटा होता है वो होता है एंगल ऑफ ट्विस्ट इन रेडियन. ठीक है, और जो सी होता है वो होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. ठीक है, और जो एल होता है वो लेंथ ऑफ शाफ्ट. ठीक है, तो आप सबको पता होगा कि अब जो जे की वैल्यू होती है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि पाई बाई 32 इंटू डी की पावर 4. तो अपन क्या है कि ये वाला कॉम्बिनेशन ले लेंगे एक बार दोनों का, मतलब ये पेयर ले रहे हैं. तो यह अपन लिखेंगे कि टी अपॉन जे, जे की जगह पे मैं क्या रख दूंगा पाई बाई 32 इंटू डी की पावर 4 क्लोज टू टाउ अपॉन आर हो जाएगा. आर की जगह पे मैं क्या ले सकता हूँ डी बाई टू. तो इसका सॉल्यूशन अपन करेंगे तो टी बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई 32 इंटू डी की पावर 4 इंटू टाउ इंटू टू अपॉन डी. डी से डी 3 बार कैंसिल आउट, 2 से 16. तो टी की जो फाइनली वैल्यू आएगी वो आएगी पाई बाई 16 इंटू टाउ इंटू डी की पावर 3. ठीक है, तो अब आपको पता होगा कि जो टी होता है, जो टी होता है ना वो अपन को यहाँ जीवन होगा, मतलब शाफ्ट का इतना टॉर्क ट्रांसमिट कर रही है वो अपन को जीवन होगा कितना टॉर्क. और पाई की वैल्यू आपको सबको पता ही होगी 3.14, 16 तो एक इंटीजर है. और टाउ की वैल्यू भी वहाँ जीवन होगी, मतलब कितना शेयर है. तो इसका यहाँ से अपन डायमीटर निकाल सकेंगे. ठीक है, तो ये था, ये तो क्या था कि ये सॉलिड शाफ्ट के लिए था, मतलब सॉलिड शाफ्ट अगर ट्विस्टिंग मूवमेंट पे हो. ठीक है, अब अपन होलो शाफ्ट के लिए देख लेते हैं. तो होलो शाफ्ट के लिए जे की जो वैल्यू होती है वो पाई बाई 32 अपॉन डी आउटर की पावर 4 माइनस डी इनर की पावर 4. ठीक है, तो ये वैल्यू अपन इस वाली इक्वेशन में रख देंगे, इस वाली इक्वेशन, इस वाली में आपको दिख रहा होगा यहाँ, इस वाली इक्वेशन में रख देंगे. तो इस वाली इक्वेशन में रखने के बाद अपन सोल्व करेंगे. तो यहाँ जो वैल्यू आएगी टी की वैल्यू आएगी पाई बाई 16 इंटू डी आउटर की पावर 4 इंटू 1 माइनस डी इनर अपॉन डी आउटर की पावर 4 इंटू टाउ. ठीक है, तो ये टाउ
की वैल्यू या मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे जो अपना एटीआई की वैल्यू होती है, और डी इनर अपॉन डी आउटर होता है, तो या डी इनर अपॉन डी आउटर इज पर किया जाएगा, और ये पाई बाय 16 इंटू डी आउटर की पावर इंटू टी इंटू टी की पावर 1 माइनस टी की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई टाओ। ये होलो शाफ्ट के लिए था। अब अपन देख लेते हैं इसमें बेंडिंग, अगर जो शाफ्ट है अपनी वो बेंडिंग मोमेंट पे, मतलब बेंडिंग मोमेंट पे फेल हो रही हो, तो बेंडिंग मोमेंट हो, बेंडिंग मोमेंट के कारण वो फेल हो रही हो, तो अपन देख लेते हैं। अब जो बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है, वो एम अपॉन आई इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा बी अपॉन वाई इक्वल्स टू हो जाएगा ई अपॉन आर। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं ये क्या होता है। एम जो होता है वो मोमेंट होता है, ये जो होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और सिग्मा जी होता है वो बेंडिंग स्ट्रेस। जो वाई जो होता है वो बेंड होने के बाद की, मतलब बेंड हो, मतलब जो उसका डायमीटर है उसका डिवाइड बाय टू, मतलब डायमीटर के डिवाइड बाय, मतलब बेंड होने के बाद जो रेडियस बनाया गया वो है। ठीक है, और ये जो है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और जो है वो रेडियस ऑफ शाफ्ट। ठीक है, शाफ्ट मतलब ये जो वाई की वैल्यू है वो मतलब किस रेडियस ऑफ कर्वेचर में वो अपनी शाफ्ट बेंड हो रही है वो उसकी वैल्यू है, तो वो भी डी बाई टू ही होगी। ठीक है, तो अपन यहाँ आई की वैल्यू देखते हैं, तो आई इक्वल्स टू होता है पाई बाय 64 इंटू डी की पावर 4। ठीक है, ये होता है। अब अपन देख लेते हैं आई की वैल्यू अपन यहाँ रखते हैं, तो एम अपॉन आई क्या हो जाएगा पाई बाय 64 इंटू डी की पावर 4 इक्वल्स टू सिग्मा बी अपॉन वाई क्या हो जाएगा डी बाई टू। तो यहाँ से अपन एम की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, एम की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा पाई बाई 16 इंटू डी की पावर 3 इंटू सिग्मा बी ये आ जाएगी। तो अपन को क्या है कि मोमेंट दिया होगा उसका, और पाई बाई 16 अपन मोमेंट उसका निकाल देंगे डिस्टेंस वगैरह से, और पाई बाई 16 ये दोनों तो गिवन है, पाई की वैल्यू 3.14 और सिग्मा बी की वैल्यू यहाँ गिवन होगी बेंडिंग स्ट्रेस, तो यहाँ से अपन डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये क्या है कि सॉलिड शाफ्ट के लिए, अगर सॉलिड शाफ्ट जो है वो बेंडिंग मूवमेंट के कारण फेल हो रही हो। ठीक है, और अपन देख लेते हैं यही होलो शाफ्ट के लिए, फॉर होलो शाफ्ट, होलो शाफ्ट। ठीक है, तो होलो शाफ्ट के लिए मैं क्या है कि यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वो होता है वो अपन ने पहले भी देखा होगा ट्विस्टिंग मूवमेंट सेम ऐसे का ऐसे करना है, पर इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ठीक है, तो एम इक्वल्स टू हो जाएगा पाई बाई 16, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ 32 आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 से डिवाइड होगा तो 64 32 में होगा। ठीक है, सॉरी, और ये पाई बाई 16 जो पाई बाई 32 इंटू डी आउटर की पावर क्यू इंटू 1 माइनस के की पावर 4, ठीक है, इंटू सिग्मा बी। ओके, ये होलो शाफ्ट के लिए था। तो ये आज का अपना टॉपिक था। तो अगर आपको ये टॉपिक, ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।